नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में मैं श्रीमान महुदा की धरती में आपका स्वागत करता हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के द्वारा यहाँ पर चला और मुझे लगता है थोड़ा देर यहाँ रहने के बाद वो आगे बोकारो की ओर रुक किए हैं, लेकिन हर उम्र और हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे। ऐसे में ही एक महिला जी हमसे मिली और मैंने उनसे जानने का कोशिश किया कि क्या कुछ राजनीति के क्षेत्र में 2024 में नया कुछ होने को है। पहले तो जानना चाहेंगे आपका क्या परिचय है। मेरा नाम और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ। पहले तो आपको दूसरी जगह देखे थे हमको लग रहा है। हाँ, मैं पहले बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला मंत्री थी और मैं यहाँ समाज से सेवा करने आई, समाज सेविका हूँ। सही मायने में मैं समाज सेविका। अच्छा, छोटी एक बात जानेंगे कि राजनीति के प्लेटफॉर्म पर समाज सेवा कहीं ना ऐसा लगता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर दूसरी से तीसरी लोग मानने को तैयार नहीं होते। नहीं सर, अगर जो पार्टी में मुझे मौका मिले समाज सेवा करने के लिए उसी पार्टी में समाज सेवा करते हैं, इसके लिए मुझे कोई पार्टी। अच्छा, बीजेपी में ऐसा क्या लगा कि समाज सेवा नहीं कर पाए, ये जरा सब जानते हैं। उसके विषय में हम बिल्कुल बोलना चाहते। अच्छा, कांग्रेस में ऐसा क्या लग रहा कि वाकई में हम सेवा कर, हाँ सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं किसी भी काम में, और लेडीज लोग की जो भी समस्या होती है वो हम उनसे बोलती है। हमें क्या कुछ राहुल जी से उम्मीद है आपको भी और पूरे परिवार से? बहुत उम्मीद है राहुल जी। क्या कुछ राजन बताना चाहिए? इस अभी जनता को रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, और मुझे लगता है कि ये राहुल जी कर सकते हैं। कैसे? चलिए थोड़ा सा विश्लेषण में बात कर ले। अभी हम तो किसी बैनर के तहत अभी राजीव राहुल जी यहाँ से पार किए, कैसे दिमाग में आ रहा कि राहुल जी ये कर पाएंगे? सर ये तो आप भी देख रहे हैं ना, दो बार चुनाव में 423 से 41-42 पर आकर पार्टी खड़ी है लगातार। मुझे लग रही है कि अन्य पार्टियों का खूब वजन पड़ रहा आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी सबसे छोटी पार्टी के स्तर पर आने की ओर है। ये विपक्ष ऐसा कर रहे हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ? एक तरह से हम नहीं बोलूँ कि ये बढ़िया हुआ, वो जमीन स्तर से कम से कम लोगों से मिले जाने से उसको क्या चाहिए, सिर्फ मंदिर मस्जिद करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इतना बेरोजगार है, इतना बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी की ज़्यादा जरूरत है, और उम्मीद है कि राहुल जी ऐसा कर सकते हैं। एक चीज बताइए, इसमें सबसे बड़ी बात हम जानना चाह रहे हैं कि धनबाद की राजनीति में वाकई आज तक नहीं हो पाया। कोयलांचल की धरती में धनबाद मुझे लगता है कोयले का राजधानी के नाम पर जाना जाता है, क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर आज भी कमी दिख रही है? कमी तो पूरे भारत में है, आप यहाँ की कमी कुछ नहीं खा रहे, इसलिए कमी हम जाए क्योंकि हम लोग यहाँ धनबाद की धरती को जरा जानना चाहते हैं। अरे हमको लग रहा है, मुझे लग रहा है पढ़ने वाले पार्टी के विरोध में जाने का मतलब मनसा नहीं है। नहीं, मैं किसी के विरोध में जाना चाहती हूँ। मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं सिर्फ समाज सेविका हूँ, मुझे दो प्लेटफॉर्म मिलेगा कार्य करने के लिए, मैं वहाँ पे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न पूछेंगे, कांग्रेस के आ जाने से धनबाद में क्या कुछ नया उम्मीद लोगों में बनेगा? रोजी रोजगार की सबसे बड़ी, और कांग्रेसी लोग एक तो राग अलापते हैं जो हम हर जगह देखते हैं, एम्स चल गया और एयरपोर्ट चल गया, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि रिक्शा वाला शाम को जब रैन बसेरा में सो रहा इसके लिए किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। क्या कुछ कहेंगे भारत की सभी पार्टियों को? सबसे पहले ये चाहिए, चलिए बहुत बड़ी बात है, जो जी का कहना है सब मिलकर पहले केंद्र में लाइए, जब तक आप लाइएगा नहीं तो आप हमसे उम्मीद नहीं कर सकते। ना लास्ट में ना परिसीमन दोस्त तो बनेगा पार्टी कोई भी हो, आम जनता के कदा से जिस दिन आवाज आना बंद होगा उसी दिन आप समझिए कि भारत वास्तविक लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातंत्र की अनुभूति को कर पा रहा है। धन्यवाद।